मेरा गजेंद्र सिंह नाम है, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ एजुकेशन क्लासेस में। और यहाँ पे जो भी बच्चा आता है वो मतलब पास होके जाता है। यहाँ पे 92 के लमसम ऊपर ही मेरा रिजल्ट रह चुका है और मैं आगे भी पढ़ाऊँगा और इस तरह पढ़ाता रहूँगा। मैं ये क्वेश्चन सोल्व करके बता रहा हूँ, आपको समझ में ज़रूर आएगा ये, और अच्छी तरीके से छोटे ट्रिक में मैं सोल्व करके बताऊँगा आपको। ओके, क्वेश्चन है आपका, बारह एक्स क्यूब -7x+1+1। अब इसको आपको दो टुकड़ों में तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे? या तो प्लस करे और माइनस करे तब भी क्या है, 7 आए, और उस संख्या को अपन गुणा करें तब भी 7 आए, और उसको भाग देते हैं जैसे 12 का उसमें भाग देंगे तो ये 1 आए, और 1 का भाग देंगे तो उसमें कितना है, 12 आए। ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है उसको। तो इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, देखो इसको दो टुकड़ों में मैंने तोड़ा, इसको मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे 4x-3x, तो इसको गुणा करते हैं अपन, जैसे गुणा करते हैं 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का भाग देंगे तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। या 12 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ मैं लेता हूँ कॉमन, यहाँ कॉमन 4x कॉमन लेता हूँ, कितने 4x कॉमन लेता हूँ, इन दोनों में जिसका भाग जाएगा वही संख्या अपन कॉमन लेंगे इसमें। तो मैंने क्या ले लिया कॉमन, 4x लिया, तो यहाँ 4x है और यहाँ 12x² है, तो ये भाग चल जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार भाग चल जाएगा, और कितनी बच जाएगी, 1x बच जाएगी। फिर 4 का भाग दिया मैंने, इसमें 4 का भाग देगी, 1 बार जाएगा, किसमें आएगा, माइनस में आएगा, कैसे आएगा माइनस में, देखो इधर 4x/4, तो इसमें 4 में 1 से तो x कट गया, 4 का भाग दिया, 1 बार गया, कितने बार गया, 1 बार गया, आ रहा है समझ में, 1 बार गया तो माइनस का 1। फिर यहाँ ऐसी संख्या कॉमन लूंगा जो दोनों में भाग चल जाए, तो मैं यहाँ क्या कॉमन लूँ, और ये भी ध्यान रखना है साथ में साथ कि ये समीकरण और ये समीकरण सेम हो जाए, कौन से समीकरण, ये समीकरण और ये समीकरण सेम हो जाए, तो यहाँ कॉमन क्या देख सकता हूँ, मैं कॉमन लेना है, मैं लेता हूँ यहाँ माइनस का एक क्यों कॉमन लूंगा, क्योंकि यहाँ जैसे 3x है और उसमें -1 का भाग दूंगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कितनी बार गया, 3 बार भाग चला जाएगा इसमें, कितनी बार गया, 3 बार भाग चला जाएगा इसमें, ये यहाँ कितना गया, 3x आ गया। अब 1 में 1 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब ये 4x-1, ये समीकरण तो होगी, या ऐसा करो इसमें दोनों में से एक समीकरण उतार दो, पहले तो क्या उतार दो, इन दोनों में से एक समीकरण उतार दो, जैसे
चार तीन एक्स माइनस एक, और ये समीकरण चार एक्स तो है एक एक, ये समीकरण ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका।